जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर, साथ में बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड किसी भी राज्य और किसी भी शहर की कोई भी अपडेट आती है तो हम सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर लेके आते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले बहनों के लिए, आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, 6 सितंबर की बड़ी खुशखबरी। कौन सी बड़ी खुशखबरी है बहनों? सभी मांगे आपकी मानी गई, क्योंकि बहनें लगातार हड़ताल पे जारी है। बहनों की यहाँ पर मांगे मान ली गई। कौन कौन से स्टेटों में यहाँ पर बहनों की मांगे वो मानी गई है। सरकार को यहाँ पर झुकना पड़ा बहनों के सामने, क्योंकि बहनें लगातार हड़ताल पे है। कई दिनों से लगातार, कई सालों से यहाँ पर हड़ताल कर रही है अपनी जो मानदेय और अपने स्थायीकरण के साथ में, और 5 सूत्रीय और 10 सूत्रीय मांगों के लिए यहाँ पर हर साल धरना प्रदर्शन करती है। तो उनकी मांगे यहाँ पर मानी गई है। साथ में मानदेय में यहाँ पर बम्पर बढ़ोतरी की गई। तो कौन से राज्यों में यहाँ पर बम्पर बढ़ोतरी की गई है? साथ में आदेश में बात जारी, तो आदेश कौन सा आदेश इस बार जारी हुआ है? साथ में दोस्तों मैं बात करने वाले हैं कि आपकी नई वैकेंसी भी यहाँ पर आ चुकी है, कहाँ कहाँ पर नई वैकेंसी आई है जो स्थायीकरण के साथ में आपको यहाँ पर चयन होने वाला है। साथ में आपकी सैलरी भी यहाँ पर अच्छी खासी होने वाली है। साथ में बात करेंगे दोस्तों कि आपकी सेवानिवृत्ति की आयु वो कितनी रखी गई है, साथ में पेंशन कितनी साल से अभाव वालों को यहाँ पर मिलेंगी, प्रमोशन किस हिसाब से आपका होने वाला, सारी चर्चा आपके आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बहनों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, साथ वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे लेटेस्ट हर प्रकार की पल पल के अपडेट पाने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ में आप जिस शहर और जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वो जरूर कमेंट करें ताकि हम आपके राज्य और आपके शहर की भी आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड अपडेट आपको देते रहे। तो चलो बहनों देखते हैं सारी न्यूज। तो बहनों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी नई वैकेंसी के बारे में, उसके बाद में डिटेल से सारी बातें करने वाले। नई वैकेंसी आ चुकी है बिहार आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिकाओं के पद, यहां करें आवेदन। आपको किस प्रकार आवेदन करना है तो आप यहां देख सकते हो, बिहार आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2019-20 बिहार में आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका के पदों पर यहाँ पर भर्ती आई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसी प्रकार आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, सेविका और सहायिका के लिए आपको फॉर्म है वो अप्लाई करना होगा। सारी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। बिहार में बार फिर विभिन्न आंगनवाड़ियों में सेविका और सहायिकाओं के पद भरने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हां, बिहार राज्य में यहां पर ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो चुका है। आवेदन की प्रक्रिया वो 5 सितंबर से शुरू होगी और 19 सितंबर 2019 तक चलेगी। मतलब आपकी प्रक्रिया है, ऑनलाइन प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है, आज ही आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हो। इन पदों के लिए आवेदन बिहार सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, नीचे दिए गए डायरेक्टर लिंक पर जाकर आप क्लिक कर सकते हो। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों बिहार के विभिन्न जिलों में स्थित आंगनबाड़ी में रिक्त पड़े पदों को इस भर्ती प्रक्रिया के द्वारा भरा जाएगा। इसकी सूची 25 सितंबर 2019 को यहाँ पर जारी कर दी जाएगी, मतलब जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको 25 सितंबर को यहाँ पर सूची है वो जारी कर दी जाएगी, जिसे आप बाल विकास परियोजना कार्यालय प्रखंड कार्यालय के सूचना पट पर एक हफ्ते के लिए जारी किया जाएगा। इस पर आपत्ति लेने की अंतिम तारीख है वो 25 सितंबर से 1 सितंबर 2019 है वो रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन के साथ महिला आवेदक को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र भी डाउनलोड करने होंगे। अगर किसी महिला आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई होती है तो संबंधित कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकती है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद इसका प्रिंट निकाल कर जरूर रखें। इन पदों के लिए न्यूनतम उम्र की बात करें तो यहां पर 18 वर्ष रखिएगी और अधिकतम 40 वर्ष, मतलब 18 से 40 वर्ष तक की सभी बहनें यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकती है। पद पर चयन होने के बाद में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के आह्वान पर शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरुवार को करपी एवं वंशी बाल विकास परियोजना कार्यालय के समक्ष आक्रोशित सेविकाओं के द्वारा धरना दिया गया, क्योंकि बहनें लगातार हड़ताल पर जारी है। धरना को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष नीलम कुमारी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार आंगनबाड़ी को प्री स्कूल का दर्जा दिया जाए। आंगनबाड़ी टीचर है उनको प्री जो स्कूल का दर्जा यहां पर दिया जाना चाहिए आंगनबाड़ी को, और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को यहां पर सरकारी टीचर, प्राइमरी टीचर का यहां पर दर्जा है वो मिलना चाहिए। पढ़ाने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी सेविका को ही रहनी चाहिए, क्योंकि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षक नहीं माँ चाहिए और इसकी भूमिका है वो निर्वहन कर सकती है, तो यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका ही ये काम कर सकती है। तो इनको प्राइमरी टीचर का यहाँ पर दर्जा है वो मिलना चाहिए। साथ में महिला पर्यवेक्षकों के 50% पदों पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को पदोन्नति करने के साथ साथ आंगनबाड़ी सेविकाओं को तृतीय वर्ग तथा
तथा सेविकाओं को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा देते हुए नियमित वेतनमान दिया जाए। साथ में जिला मंत्री ममता कुमारी ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा मोबाइल फोन के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया है। सेविकाओं पर सिम को रिचार्ज करने तथा साथ में मोबाइल को ठीक रखने के अलग कोई राशि नहीं दी गई, जिसका भुगतान सेविका को अपने वेतन से करना पड़ेगा। जी हाँ, पहले सरकार ने यह बताया था कि सभी महिलाओं को, सभी जो बहनें हैं उनको यहाँ पर स्मार्टफोन वितरित की जाएंगी, साथ में उनको सिम रिचार्ज भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बिल्कुल मुफ्त आपको रिचार्ज भी सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन सरकार ने यह बड़ा धोखा किया बहनों के साथ में। मोबाइल तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर रिचार्ज है वो बहनों को अपनी सैलरी में से करना पड़ रहा है, जिसका भुगतान सेविकाओं को अपने वेतन से करना पड़ेगा, जो कहीं से भी कतई उचित नहीं है। दानार्थियों को संजय कुमार भारती, मुख्य संरक्षक रविंद्र कुमार, सलाहकार शिव कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष लालदेव यादव, प्रखंड सचिव पूनम कुमारी, धर्मशीला कुमारी, रेखा कुमारी, रुखसाना बानो समेत कई लोगों ने संबोधित किया। उधर वंशी परियोजना के समक्ष आयोजित धरना की अध्यक्षता सीमा कुमारी के द्वारा यहाँ पर किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित सेविकाओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए तथा पदाधिकारियों के द्वारा दी जा रही प्रताड़ना पर रोक लगाने की भी यहाँ पर मांग है वो बहनों के द्वारा जारी की गई है। साथ में आप यहाँ देख सकते हो, जिला अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कहा है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन में प्रोग्राम सभा के दौरान आपत्ति आने पर संबंधित पर्यवेक्षिका पर बर्खास्त की गाज गिरेगी। साथ ही CDPO के खिलाफ भी प्रपत्र गठित करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जिले में कुल 96 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 109 सेविका सहायिकाओं का चयन किया जाना है, जिसमें 27 सेविका तथा 82 सहायिकाओं का पद है वो यहां पर शामिल है। इसके लिए मेधा सूची भी जारी कर दी गई है। तो मेधा सूची पर आप आपत्ति के लिए 2 बार समय दिया गया है। संबंधित CDPO व पर्यवेक्षिका के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, CDPO व पर्यवेक्षिका के विरुद्ध बर्खास्त की कार्रवाई की जाएगी तथा CDPO के खिलाफ भी प्रपत्र गठित करने जैसी कार्रवाई होगी। गौरतलब हो कि जिले के सभी 10 प्रखंडों में सेविका और सहायिकाओं का यहाँ पर 10 जो प्रखंडों में सेविका और सहायिकाओं का चयन होना है, जिसमें सर्वाधिक 10 सेविकाओं का चयन चकाई में किया जाना है, जबकि सर्वाधिक 17 सहायिकाओं का चयन है वो सोनो प्रखंड में किया जाएगा। इसके अलावा सोनो में 6, इस्लामनगर अलीगंज में 4, सांझा में 3 और लक्ष्मीपुर में 2 तथा गिद्दौर और बरठ में 1-1 सेविका का चयन प्रक्रिया जारी है। इसी प्रकार सहायता के लिए सोनो में 17 के अलावा बरठ में 13 और चकाई में 11 और सिकंदरा में 9 और जमुई में 8 और लक्ष्मीपुर में 7 सेविकाएँ शामिल है। उसके अलावा गिद्दौर में 6 पद रिक्त पड़े, जिसके लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन को लेकर जिला स्तर पर रोस्टर जारी करने के आदेश है वो सरकार के अधिकारियों को निगरानी के लिए नामित किया गया। चयन प्रक्रिया गुरुवार से प्रारंभ होगी और इसे 12 सितंबर तक पूर्ण करना होगा। साथ में बड़ी खबर आई कि सेविकाओं की ओर से उपायुक्त को 11 सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि जिला के सेविका सहायिकाओं के हड़ताल पर रहने की वजह से 2330 आंगनबाड़ी केंद्र है वो बंद हो चुके। विभागीय संविदा कर्मियों के समान आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एवं पोषण सखी को महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता है वो महिलाओं को देना चाहिए। साथ में सेविका सहायिकाओं की सेवानिवृत्ति की उम्र है वो 65 वर्ष करते हुए पेंशन यहाँ पर लागू की जानी चाहिए। साथ में जितनी भी बहनें हैं उनकी पेंशन सुविधा है, 65 वर्ष से अबव जिनकी एज हो चुकी है उन्हें पेंशन सुविधा भी सरकार के द्वारा देनी चाहिए, क्योंकि उनमें बुढ़ापे का सहारा है वो सरकार ही रह सकती है। उन्हें कुछ पैसे देके यहाँ पर उनकी जीवन यापन करने की जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। आंगनबाड़ी कर्मियों को उच्चतर पदों पर पदोन्नति के लिए आयु सीमा की बाध्यता है वो समाप्त करते हुए 100% पदों पर पदोन्नति है वो दी जानी चाहिए। मतलब इतने दिन दोस्तों क्या होता था, बहनों को उनकी आयु के अनुसार यहाँ पर आयु की बाध्यता रखी जाती थी प्रमोशन के लिए, लेकिन वो बाध्यता है वो अब हटानी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन्हें देनी होगी। यहाँ पर मृतक सेविका सहायिका एवं पोषण सखी के आश्रितों को अनुकंपा का लाभ देते हुए यहाँ पर नियुक्त किया जाना चाहिए। साथ में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एवं पोषण सखी को आयुष्मान भारत योजना से
आच्छादित किया जाए, साथ में सेविका सहायिकाओं के सम्मान पोषण सखी के लिए यूनिफॉर्म की आपूर्ति करते हुए केंद्र से में की गई बढ़ोतरी के अनुरूप मानदेय में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। साथ में सभी क्या होता है दोस्तों, केंद्र के द्वारा आपके जो मानदेय में बढ़ोतरी कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार है वो इसमें कटौती कर देती है वापस, जिससे बहनों की यहाँ पर सैलरी में अच्छा खासा इजाफा नहीं हो पाता है। तो ये बहनों का कहना है कि केंद्र में जो बढ़ोतरी की गई है उसी के अनुसार हमें मानदेय वो दिया जाना चाहिए। साथ में सभी बीमा योजनाओं में पोषण सखी को शामिल करते हुए सभी अवकाश की सुविधा है वो भी यहाँ पर दी जानी चाहिए। आंगनबाड़ी सेविका जो सहायिकाओं की स्वर्ग नियमावली तैयार व प्रकाशित कर लागू की जाए। ICDS को NGO एवं निजी हाथों में सौंपने पर रोक लगाई जाए। एस्मा के साथ साथ सभी काले कानून है उनको यहाँ पर रद्द किया जाना चाहिए। आज सुबह 9 बजे से होगा आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन। तो यहाँ आप देखते हो कलेक्टर BS जामोद ने जिले में वर्षाकालीन मौसम और आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए निर्धारित कर दिया। इसके अतिरिक्त गृह भेंट का समय दिन के 1 बजे से 2 बजे तक एवं 2 बजे से शाम 4 बजे तक आंगनबाड़ी के अंदर रिकॉर्ड संधारण किए जाने का समय है वो निर्धारित किया गया है। तो बहनों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ बहनों मेरे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि बहनों आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड किसी भी राज्य और किसी भी शहर की कोई भी अपडेट आती तो बहनों के लिए हम सबसे पहले आपके सामने लेके आते हैं। तो बहनों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।